दिवस हम लोग बहुत समय से मना रहे हैं, सेना का प्रोत्साहन हो सके, नौजवानों में अपने देश के प्रति राष्ट्र के प्रति एक चेतना और अधिक तेजी से मजबूत हो, इसके लिए जो भी कार्यक्रम होते हैं सरकार समय समय पर कराती है, और विद्यार्थियों के बीच में होने से उनमें राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना और अधिक प्रबल बनती है। क्या उनमें जो शहीद हुए हैं उड़ी शहीद, उनके लिए भी सरकार यहाँ पे बगल में संयोग से है? अभी तक उनका पेट नहीं बन पा रहा है। जहाँ जहाँ शहीद हैं उनके लिए कोई ना कोई स्मृति, कोई सड़क, कोई स्थान, कोई मूर्ति का अनावरण इस सरकार ने किया है, उनके परिवार को आर्थिक सहायता, ये तमाम चीजें सरकार कर रही है, और उन शहीदों के प्रति नतमस्तक है जिन्होंने बिना किन्हीं कारणों से हमारी जो आस्तरिक प्रवृत्तियों की शक्तियां हैं उसका मुकाबला किया। यही बगल सदकर्मों की तरफ अग्रसर होने वाले कार्य, अब कोई सदकर्म ना कर रहा हो तो उसको तो खराब लगेगा, वो आलोचना करेगा। रामराज का अर्थ क्या है? सबको बराबरी का दर्जा। रामराज का अर्थ क्या है? अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन, सब में जो असमानता है उसको दूर करना है। तो ये सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यही तो रामराज है। तो इसमें अगर किसी को आपत्ति है तो मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों की आपत्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि भी इन्वेस्टर्स मीट में 60,000 करोड़ का जो हमारे अनुबंध थे उनको अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें से अकेले लगभग 42,000 करोड़ रुपया हमारे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अनुबंध। आज उत्तर प्रदेश एक इलेक्ट्रॉनिक हब बन गया है। आज पूरे भारतवर्ष में अगर 100 मोबाइल बनते हैं तो उनमें 65 मोबाइल हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। तो इतनी तेजी के साथ एक वर्ष में जो ये परिवर्तन आए हैं, उस परिवर्तन को लेकर हम रोजगार सृजन करने का काम पूरे प्रदेश में, किसानों की आमदनी को बढ़ाने का, दोगुना करने का काम पूरे प्रदेश में, ये हमारी सरकार की